चलिए सास बहू, अभी फिर से अभी ख़त्म नहीं हुआ इनका झगड़ा, फिर से स्टार्ट होने वाला है। अब हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, क्या होती है प्रॉपर्टीज। यहाँ फिर से ग्रुप बना रहे हैं हम साइन इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का और टैन इनवर्स का, फिर इधर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का ग्रुप बना रहे हैं। अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स निगेटिव एंगल पे, अगर हम इसको निगेटिव नंबर पे अगर हम अप्लाई कर दें इसके निगेटिव ऑफ एक्स पे, तो क्या आता? तो ये तीनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये तीनों एक जैसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये तीनों बहुत सिंपल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें क्या होता है, माइनस को बाहर निकाल देते हैं सिंपली, क्योंकि ये पॉजिटिव लोग हैं, ये क्या करते हैं माइनस को बाहर निकाल देते हैं। नॉर्मल साइन भी माइनस को बाहर निकाल देता है, नॉर्मल टेन भी माइनस को बाहर निकाल देता है, नॉर्मल कोसेक भी माइनस को बाहर निकाल देता है, साइन इनवर्स भी क्या करता है माइनस को बाहर निकाल देता है। माइनस को बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस को बाहर निकाल दिया क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस को बाहर निकाल दिया क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ये ग्रुप याद रखिए आप, ग्रुप से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी आप लोगों को लर्न करना। ऑफ माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसके बाद इनकी आइडेंटिटी जैसी प्रॉपर्टी भी होती है, इन दोनों का क्लैश करवा दिया जाएगा, यानी साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, अगर इनका क्लैश करवा दिया जाए तो आंसर आता है पाई बाय टू, व्हाट इज पाई बाय टू। इसी तरह टेन और कॉट का क्लैश करवा दिया जाए, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, रिमेनिंग जो थर्ड है, थर्ड वाले को देखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज रह जाती है, उसको भी देख लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा बचेगा एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। इस तरह की प्रॉपर्टीज को आप जो पढ़ी हुई है आपने, ठीक है। इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि कोसेक इनवर्स अगर आपके पास है, सपोज कोसेक इनवर्स एक्स, इसको आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स हो जाता है ना। इसी तरह से सेक इनवर्स ऑफ एक्स है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस इनवर्स, ये तो भाई हैं एक दूसरे के साइन और कोसेक, सेक और कॉस। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ये हो जाता है टेन इनवर्स ऑफ वन बाय, इसका यूज़ करना पड़ सकता है कई बार, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। इसमें आप टेन के फॉर्मूले भी आते, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला कब बनता है, ये फॉर्मूला बनता है व्हेन एक्स वाई इज लेस देन वन, एक्स वाई इज लेस देन वन, याद रखिए ये प्रॉपर्टी। अगर ये लेस देन वन से रहा, वन से लेस रहा, यानी ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव आना चाहिए, डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव आया तो ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। और अगर डिनोमिनेटर निगेटिव आ जाए तो पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी बनती है, यानी सेम है सिर्फ पाई प्लस हो चुका है। ठीक, इसी तरह से इसका क्या बन जाता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूले भी टेन इनवर्स के आपको याद रखने, इनका यूज़ है। चलिए, ये है कन्वर्जन प्रॉपर्टीज़, कन्वर्जन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, क्या होती है प्रॉपर्टी। ये बता रही है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल होती है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, हमको पता ही है, यानी साइन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया जाए तो इस तरह से, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो ठीक है हमारे समझ में आता है। नेक्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कॉस इनवर्स में लिखना है अगर, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स।
साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से साइन इनवर्स को आपको लिखना है, सपोज आपको ज़रूरत पड़ गई और आपको टेन के फॉर्म में लिखना है, तो इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब ये जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको लर्न हो जाए तो फिर डेरिवेटिव भी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बीच बीच में के आपको इनका यूज़ करके जो कई स्टेप्स में आंसर आने वाला होता है इन फॉर्मूले से आप क्विक लेकर आ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो ही ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज फिर कोई चांस नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, साइन इनवर्स। इसी तरह साइन इनवर्स को अगर कॉट के फॉर्म में लिखना है तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/x, हो जाएगा 1/x। और ये तो हमको पता ही है कि साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, ये होता है कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। इसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ x को आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 - x2। कॉस इनवर्स x को कॉस इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है, कॉस इनवर्स x को टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 - x2/x लिखा जाता है। फिर यहाँ से सब रेसिप्रोकल होने लग जाता है, एक के एक, यानी मिरर लगा हुआ है और ये मिरर क्या कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। सिमिलरली टेन इनवर्स साइन इनवर्स को लिखना है तो x अपॉन अंडर, इसमें आपको सारे प्लस वाले नजर आएंगे, माइनस नहीं नजर आएंगे टेन इनवर्स वाले। तो आप देख लीजिए इनको फॉर्मूले को और अच्छे से देखिए और सबको लिख लिख कर देखिए इस फॉर्म में किस तरह से साइन इनवर्स को सारे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में, ठीक है। तो ये इनवर्स की कन्वर्जन प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इनवर्स की कन्वर्जन प्रॉपर्टी, इसे आप किसी भी इनवर्स वाले रेशो को, साइन कॉस टैन कोई भी इनवर्स वाले रेशो को किसी भी दूसरे इनवर्स वाले रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को आप चाहे तो लिख लिख कर देखिए, आपको आसानी लगेगी, मतलब आपको समझ में आएगा। जैसे कॉस इनवर्स, ज़रूरत पड़ेगी हमको कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को सपोज कन्वर्ट करना है कॉट में, तो ज़रूरत पड़ गई है कॉट की, तो कॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को, तो यहाँ कॉट की लाइन में देखिए एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x। अरे समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज ऐसा टर्म आ गया वाई इक्वल्स टू सपोज कर लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉट, कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इस तरह का क्वेश्चन आ गया सपोज कर लेते। अब हम जानते हैं कि यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस इनवर्स रहा अगर, तो हमको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सपोज मैं लिख लेता हूँ कॉस और टेन इनवर्स को कोशिश करता हूँ मैं कॉस में कन्वर्ट करने की, तो टेन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/√1+x2, ठीक है। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या बचेगी, 1/√1+x2। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम कई स्टेप्स बचाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ टेन आ जाए मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इसका शायद सोल्यूशन निकाल पाए। लेकिन अगर ये रिलेशन हमारे पास है तो फिर तो शायद हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर भी दें, ईजिली हम इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझ में आ रही है चीज़ें? तो ये सारे रेशो को आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको ऐसे 1 by 1 एक एक का रेशो जो रिलेशन है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, टाइम हो चुका है, आने वाले वेबिनार में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।